उंगली मत उठाना, बाजू में दे के रख देंगे, वो दे दिया था अफगानिस्तान की बात कर रहे थे यार। नहीं अफगानिस्तान के साथ हमारा मैच आ रहा है, कौन जीतेगा पाकिस्तान भाई? अफगानिस्तान, मैं दुआ करता हूँ पाकिस्तान जीते ना। ये जो जर्नलिस्ट कहते हैं ना कि टॉप फोर फीमेल सेमीफाइनल में टॉप फोर टीमें जानी है, उनमें एक पाकिस्तानी है, वो अपनी जर्नलिज्म का जनाजा निकाल रहे हैं। बैंड चो तुम ये ना स्टेटमेंट दो, तुम्हारा जो फ्यूचर है ना वो उस पर लग जाना है। ये पाकिस्तान है सही यार, जाने वाली टीम है। मुझे तो नेदरलैंड से जीत के बड़ा तीर मार लिया था, कल इनकी चली भी नहीं है। कह रहे जी बाउंड्री छोटी है, छोटी बाउंड्री तो मारो, क्यों नहीं लगे तुमसे? ए वो मैं वीडियो देख रहा कि छक्कों की हाइलाइट्स दिखाओ जिन्होंने कल मारे, वीडियो नहीं चल रही, मारा हो तो चले। बैन चो कोई छक्का नहीं यार इनका, किस चीज के प्लेयर है भाई? मुझे तो समझ, वाशरूम गया हूं 5 विकेट है, दूसरी बार वाशरूम गया हूं 7 विकेट है, मैं वाशरूम भी ना जाऊं। पाकिस्तान टीम को शर्म आनी चाहिए। देखो यार तुम्हारी छोटी टीम है जिसको हम टप्पा टीम समझते हैं, आज उन्होंने इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को यार टफ टाइम दिया। मैं पाकिस्तान को कहूंगा यार थोड़ी अकल करो, थोड़ी शर्म कर लो आप यार। यार अफगानिस्तान को इंग्लैंड जैसी टीम नहीं रोक सकी तो पाकिस्तान ने क्या रोका? बिल्कुल जी, पाकिस्तान अलर्ट हो गया होगा, पाकिस्तान के कान खड़क गए होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो एक बड़ी दीवार है ही, अफगानिस्तान भी उसके बाद जो है ना वो बड़ी चट्टान बन गई है। अब बॉलिंग तो उनकी अच्छी थी ही थी, अब उनकी बैटिंग भी है, नो डाउट बहुत अच्छी होगी। ये मैच आज जो मैच हुआ है जो अफगानिस्तान इंग्लैंड के साथ हुआ है वही हमारे साथ होने, पूरी अल्टीम आउट होगी। और यार अफसोस हो रहा है, हालांकि नंबर वन टीम है इंग्लैंड, ठीक है, तो पाकिस्तान की टीम तो मुझे नहीं लगता उनका मुकाबला कर पाएगी, उस हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है। ठीक है, अफगानिस्तान इंग्लैंड को अगर अपसेट कर सकता है तो पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है सामने, इसलिए मतलब पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है भाई, अपने आप को बचा सकते हो तो बचा। यही होना जो आज इंग्लैंड का हुआ है, अफगानिस्तान बेचारा कितना नीचे है, ठीक है, ये उनको बातें कसनी है, उधर मरवा के गए, रूस उधर मरवा के गया, हर बंदे ने अफगानिस्तान को ठोका है, फिर भी वो आंखों में आंखें डाल रहा है पूरी दुनिया के। ये बैंड छोड़ो यार, मतलब किस चीज के आजाद मुल्क को भेज, तुम ना तुम खुल के सियासत कर सकते, ना तुम दुनिया के इश्यूज पे खुल पे बोल सकते, ना तुम खुल के खेल सकते हो, तुम किस चीज के आजाद? पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड को हराने के बाद पूरे पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप मचा, जिस तरह पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड टीम को धोया वैसे ही पाकिस्तान टीम को धोएगा अफगानिस्तान। इसको देखकर पाकिस्तान के लोग डर गए हैं, अफगानिस्तान भी हमें बुरी तरह हराएगा, देखे वीडियो। टीम को हरा दिया, इतनी बड़ी टीम है, छोटी छोटी टीमों से हारना शुरू हो गई है, क्या नजर आया आपको इस मैच के पीछे? वजनी पूरी पूरी बच गई है, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान कुछ भी नहीं होना अफगानिस्तान के आगे। देखे सारी टीमें प्रिपेयर होकर आई हैं, एशिया कप तो उन्होंने कुछ सीखा है, वो अपनी प्रिपरेशन करके आए हैं, उन्होंने एक प्लानिंग के तरीके से हैं। पाकिस्तान का क्या, पाकिस्तान तो सिर्फ खेलने कूदने गए, वो सिर्फ जो है ना इंडिया के मजे ले लें, थोड़े से हैदराबादी बिरयानी खा लें, इन चक्रों में गए। आप आज का मैच देखें, इंडिया अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड को अफगानियों ने उठने नहीं दिया, चाहे वो रहमान वाला गुलबाज हो उसने क्या बैटिंग की है, ठीक है, फिर बॉलिंग उनकी चेक करें आप, उन्होंने किसी भी चाहे बैटिंग के बॉलिंग के आप फील्डिंग के उन्होंने किसी शोबे में इंग्लैंड को उठने नहीं दिया। पाकिस्तान तो बगैर टीम है, जब तक ये हिजड़ों का साला कैप्टन टीम में है ना, जो अपने लिए खेलता है, गुरबाज की बैटिंग देखी है, अबे पोटरी के बच्चे, गुरबाज ने 58 बॉलों पे 80 रन स्कोर बनाए हैं, उधर ही चली जाए अगर इतनी कुछ कर सकती, क्या पता फलस्तीन में कुछ जाके बैट बूट चला लें, अगर किसी और से तो होने का समय से बात बाहर है। जो बैंचों ये मैच आ रहे हैं कहेंगे जी मैच फिक्स हो गया, इस बंदा पूछे तुम आजाद उसके लिए हुए थे अगर तुमने अभी भी फिक्सिंग कर रही है, भी किस लिए आजाद मुल्क बनाया भाई, जब तुम खुल के खेल ही नहीं सकते, चढ़ गई उसके ऊपर यार तुम्हारी आजादी यार। अफगानिस्तान 30 से 35 साल जंग में रहा, अब भाई जान अफगानिस्तान बेचारा कितना नीचे है, ठीक है, ये उनको बातें कसनी है, तालिबान उधर मरवा के गए, रूस उधर मरवा के गया, हर बंदे ने अफगानिस्तान को ठोका है, फिर भी वो आंखों में आंखें डाल रहा है पूरी दुनिया के। ये बैंड छोड़ो यार, मतलब किस चीज के आजाद मुल्क को भेज, तुम ना तुम खुल के सियासत कर सकते, ना तुम दुनिया के इश्यूज पे खुल पे बोल सकते, ना तुम खुल के खेल सकते हो, तुम किस चीज के आजाद हो मुझे बता दो। अभी जंग चल रही है फलस्तीन में, कौन सा हमारा बंदा खुले हुए, वो कह रहा है दो मुल्कों की जंग है, हम क्या करें? मैं मतलब किस लिए तुम यार, मुझे समझ से बात बाहर है, चढ़ेगी उस पे यार तुम्हारी आजादी यार। अफगानिस्तान के साथ हमारा मैच आ रहा है, कौन जीतेगा पाकिस्तान भाई? अफगानिस्तान, मैं दुआ करता हूँ पाकिस्तान जीते ना। ये जो जर्नलिस्ट कहते हैं ना कि टॉप फोर फीमेल सेमीफाइनल में टॉप फोर टीमें जानी है, उनमें एक पाकिस्तानी है, वो अपनी जर्नलिज्म का जनाजा निकाल रहे हैं। बैंड चो तुम ये ना स्टेटमेंट दो, तुम्हारा जो फ्यूचर है ना वो उस पर लग जाना है। ये पाकिस्तान है सही यार, जाने वाली टीम है। मुझे तो नेदरलैंड से जीत के बड़ा तीर मार लिया था, कल इनकी चली भी नहीं है। कह रहे जी बाउंड्री छोटी है, छोटी बाउंड्री तो मारो, क्यों नहीं लगे तुमसे? ए वो मैं वीडियो देख रहा कि छक्कों की हाइलाइट्स दिखाओ जिन्होंने कल मारे, वीडियो नहीं चल रही, मारा हो तो चले। बैन चो कोई छक्का नहीं यार इनका, किस चीज के प्लेयर है भाई? मुझे तो समझ, वाशरूम गया हूं 5 विकेट है, दूसरी बार वाशरूम गया 7 विकेट, मैं वाशरूम भी ना जाऊं, दिमाग खराब कर दिया यार। यहाँ पे वाशरूम करने जाना था, टीम बुक है कितना यार, ये इतना बजा हमसे बस, ये भाई जान पेस अटैक है जी हमारा, कौन सा बैन चो शादी करा गया वैसे ही फारग हो गया, मतलब क्या करता है भाई तू, एक देख के चल ले अपना स्टैमिना, देख तेरी शादी हुई है ठीक है, वो चली तो नहीं जानी कितने, तेरे को ले ना किकर आज सारा काम करना है, अगले दिन दुनिया नहीं जा रहे थे। जो बंदा मेहनत करता है चाहे इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ही पढ़िया ना नीचे, टीमों ने मेहनत की है, उनको गुल्ला दिया है, पाकिस्तान ये देखा जिम्मे जिम्मे मैच हो रहा नहीं आ रहे हैं, कोई मसला हमारे वाले कोई ऐसा शो बने जिसमें उठने की कोशिश भी करते हैं, तो हमारा और उनका कोई मुकाबला बनता है नहीं। सीखना नहीं चाहिए अफगानिस्तान जैसी टीम के साथ जिनको हमने लाइक एक मजाक समझा हुआ है? बिल्कुल सीखने की जरूरत है, हमने हर टीम को ना एक जो था ना बहुत इजीली लिया हुआ है।
हम जीत जाएंगे, हमारे वाले जीत जाएंगे, हमारे वालों को हमने सर पे चढ़ाया, उन्होंने सर पे चढ़ के ना हमारे सर पे चढ़ के वो नाच रहे हैं। नहीं थी कि अफगानिस्तान इंग्लैंड को हरा देगा, जो कि हॉट फेवरेट्स इस वर्ल्ड कप की लग रही थी। इंडिया भी हॉट फेवरेट है, लेकिन देखिए इंडिया तो हरा चुका है अफगानिस्तान को। अब हमारा मैच है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच, मुझे तो शदीद डर लग चुका है। अब पुरानी बात नहीं रही कि अफगानिस्तान जो है वो लो लेवल की टीम है, वो भी एक इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हैं, उनकी जो स्पिन डिपार्टमेंट है हमेशा मैं कहता हूँ पाकिस्तान की जीरो परफॉर्मेंस रही है। जब भी स्पिनर आता है गुलैगी आ गया, जैसे मुजीबुर रहमान कितने जबरदस्त स्पिनर है, पिछली स्पिनर है, कभी वो गुगली कर रहे हैं कभी लेग स्पिन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान वाला मैच मुझे जो है बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। पहले तो नसीम शाह थे, और आप अगर पिछली हिस्ट्री निकाल के देखें तो पाकिस्तान जब भी मैच जीता, चाहे वो एशिया कप है चाहे वर्ल्ड कप है, कभी मान जिताया कभी शोएब मलिक ने जिताया, यानी कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सिर्फ एक बंदे की वजह से, वो मैच इधर भी हो सकता था वो इधर भी हो सकता था। तो अफगानिस्तान के लिए बहुत मुश्किल रहा है पहले, लेकिन मुझे लगता है कि इस दफा अफगानिस्तान के चांस बहुत नजर आ रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान जो कि श्रीलंका से काफी मुश्किल तरीके से जीता है, एक बड़ा मैच हमने इंडिया से खेला वो हार गए हैं, तो अफगानिस्तान के खिलाफ क्या लग रहा है कि पाकिस्तान के चांस कितने लग रहे हैं? यार मैं अगर दिल की बात करूँ ना तो मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान को, जैसे आप देख रहे ना चेन्नई में मैच भी है, स्पिनिंग विकेट है चेन्नई का मैच, वहाँ पे देखें उनके तो मेन जो है ना वो मैं कहूँगा वेपन ही उनका स्पिनर है, और वो तो वहाँ पे भी बॉल हिलाते हैं जहाँ पे स्पिनिंग विकेट्स भी नहीं होती, तो चेन्नई तो उनको बिल्कुल सूट करेगा। और पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, जिस तरह वो जितने बुरे तरीके से इंडिया से मैच हार के आए हैं उनका तो मोरल और भी डाउन हुआ है, तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान इंग्लैंड को अगर अपसेट कर सकता है तो पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं उनके सामने। ठीक है, अफगानिस्तान की टीम आपको क्या लगता है पाकिस्तान को तो हरा सकती है, बाकी किसी टीम को हरा सकती है टूर्नामेंट में? यार अफगानिस्तान इंडिया से तो ऐसे हारा है जैसे वो स्कूल लेवल, जैसे पाकिस्तान हारा स्कूल लेवल की टीम से, इंडिया से तो वो हार गए, इंडिया क्योंकि फेवरेट भी है और उनका होम क्राउड भी है और वो फॉर्म में भी बहुत है। जैसे अगर उन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया तो मेरे ख्याल से वो बड़ी से बड़ी टीम को भी हरा सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड छोटी टीम नहीं है, नंबर वन टीम है, सिर्फ एक बेन स्टॉक्स नहीं खेल रहे, बाकी उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही है, तो अगर वो उनको हरा सकते हैं वो भी दिल्ली में, तो चेन्नई में पाकिस्तान को क्यों नहीं हराएंगे? बहुत मुश्किल है पाकिस्तान। मैं क्या कहता हूँ यार, इंग्लैंड की टीम आज अफगानिस्तान के हाथों हार गई है और एक अपसेट हो गया वर्ल्ड कप में। यार सही कह रहे हैं, 215 पे पूरी ऑल टीम आउट हो गई और यार अफसोस हो रहा है, हालांकि नंबर वन टीम है इंग्लैंड, ठीक है, तो पाकिस्तान की टीम तो मुझे नहीं लगता उनका मुकाबला कर पाएगी, उस हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है। ठीक है, पाकिस्तान का मैच है ना वो चेन्नई के पीछे, जहाँ पर बहुत बड़ा स्पिन होगा पाकिस्तान के, बहुत खतरनाक, इंडिया के स्पिनर नहीं हम खेल पाए, अफगानिस्तान के स्पिन विकेट पे कैसे खेले, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके स्पिनर ज्यादा, उनको मतलब एडवांटेज मिल जाएगा ना, इस वजह से परेशानी होगी भाई वहाँ पे स्पिनर। जारी बात सही कह रहे हैं, जैसे जडेजा वगैरह जैसे बुमराह वगैरह कुरवाते उनसे हम नहीं खेले गए, पाकिस्तान बैट्समैन नहीं खेल सके उन्हें, तो वो तो ज्यादा डेंजरस है, मतलब खतरनाक है ज्यादा वो स्पिनर, तो जारी बात है बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। तो लग रहा था कि यार अफगानिस्तान जीत जाएगा इंग्लैंड, देखने में तो नहीं लग रहा था, जारी बात है देखने में तो यही लग रहा था इंग्लैंड बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है तो विन वही करेगी, लेकिन बाद में पूरे मैच का पास ही पलट दिया, 215 में पूरी यार टीम ही आउट कर दी यार, जारी बात है, तो इसके लिए जारी बात है अगर पाकिस्तान को खेलना है तो भाई पूरी तैयारी के साथ, वरना कुछ भी हो सकता है, ऐसे देख लेना पूरी नंबर वन टीम को हरा दिया तो पाकिस्तान को भी हार भी सकते हैं। पाकिस्तान आगे भी अफगानिस्तान जो मैच जीता है, या तो नसीम शाह ने एंड पे चौका लगा दिया या एंड पे अहमद सीन ने चौका लगा दिया, मतलब एंड भी हमने कोई तुका लगा, ऐसे ही तुके वाले सीन सही कह रहे हैं, मतलब कोई अच्छी परफॉर्मेंस से नहीं हम जीत रहे थे, ऐसे ही है शायद अगर कोई दो चार हिट होगी तो हमारे पास मैच आ गया, लेकिन अब इस दफा नहीं होगा ऐसे, अगर इस दफा तो यही है पूरी तैयारी के साथ खेलना होगा तो आप विन करेंगे, अगर थोड़ी बहुत कमी कुताई हो जाएगी तो जारी बात है वो भाई मैच ले जाएंगे फिर। अच्छा, इंडिया ने तो अफगानिस्तान को हरा दिया, वन साइडेड मैच रहा, लेकिन पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान मुश्किल बन जाता है, पाकिस्तान के लिए आपको इंडिया के साथ अलग होता है टाकरा सही होता है, लेकिन अफगानी को स्पिनर ज्यादा है भाई, और पाकिस्तान आपको पता है इंडिया वाले मैच में क्या सूरत आ रही है, स्पिनर को कोई भी स्पिनर नहीं खेला गया, ठीक है, तो इसी वजह से उनको ज्यादा यही बेनिफिट है अफगानियों को कि वो उनके पास ज्यादा स्पिनर बॉलर है, तो पाकिस्तान लड़ने भी लग जाते हैं भाई, और जारी बात हाइपर हो जाती है, मैच हार जाए तो उसके बाद लड़ाई शुरू, की टीम पूरी तरह डर गई, जिस तरह पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को हराया और पूरे पाकिस्तान में खौफ का माहौल बन गया है, और पाकिस्तान के लोग वार्निंग दे रहे हैं अपने खिलाड़ियों को कि पाकिस्तान के सामने ठीक खेलना और टीम में अच्छा परफॉर्मेंस करना और पूरे पाकिस्तान का लाज रखना।